Out in the garden each fine day, out in the garden each fine day, with my ball I like to play, with my ball I like to play. I bounce it right, I bounce it left, I bounce it well on each fine day. Out in the garden each fine day, out in the garden each fine day. Hello my munchkins, I'm your friend Monica Mehta, and today let's welcome you all, Tiny Tots and the senior students, in the next episode of Dips Broadcasting Channel. Let's enjoy. हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग के ऐसे सुपर्ब जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में मौजूद हैं, जिनको देखकर लगता है कि हाँ, ये काम बहुत ब्रेनी लोग ही कर सकते हैं. जब हम लोग रामेश्वरम जाते हैं तमिलनाडु, तो वहाँ पर एक पंबन ब्रिज आता है बच्चों, उसके ऊपर एक इंदिरा गांधी सेतु बना हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा एक पास वे है जिसपे आप अपनी कार से जा सकते हो. नीचे है पंबन ब्रिज, वो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है समुद्र के बीच में. दैट वॉज द फर्स्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया. वो तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा है और उसमें 0.5 किलोमीटर का स्ट्रेच ऐसा आता है जहाँ पर नीचे लाइन नहीं है. वो दो आर्क को जोड़ा जाता है तो गाड़ी उसमें से निकलती है, और जब किसी बड़ी शिप ने जाना होता है तो उसको खोल दिया जाता है और उसमें से शिप निकल जाती है. और वो 2 किलोमीटर है, बड़ी गाड़ी को बड़ा स्लो स्लो चलाया जाता है. आप इमेजिन करो, नीचे समुद्र है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल वन साइड, और आपकी ट्रेन जा रही है छिक 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 धीरे धीरे, क्योंकि वो जो ब्रिज है वो बहुत कांपता है. सी ब्रिज है, इधर भी सी उधर भी सी. ओ माई गॉड, यू मस्ट सी. रोना कभी नहीं रोना, चाहे टूट जाए कोई खिलौना. वैसे जब खिलौना टूटता है, मामा दूध नहीं देती है, हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो हम रोते हैं कैसे. हर लोगों का अपना स्टाइल होता है रोने का. मैं और तरह से रोती हूँ, आप और तरह से रोते होंगे. वैसे रिसर्चर्स कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो पेरेंट्स का एक्सेंट होता है, बच्चे उसी तरह से रोते हैं. जैसे इंडियन बच्चे हैं वो रोएंगे आ मम्मा मैं कोई ये चीज़ चाहिए चाहिए, जो फॉरेन के बच्चे वो मतलब उसमें जो मतलब आपका एक्सेंट होता है, जो आपका बोलने का ढंग है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो आपके रोने के ऊपर, रोने के स्टाइल के ऊपर इफ़ेक्ट करती है. ओह माय गॉड, किसी ने डीपली इस बात को ऑब्जर्व किया ही नहीं. अब जब नेक्स्ट टाइम आप कहीं ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे. माई डियर किड्स, आपने बियर गिल्स को ज़रूर देखा होगा डिस्कवरी चैनल पर या TLC चैनल के ऊपर, और जो वो लाइफ सेविंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो सब उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग का एक हिस्सा है. और बियर गिल्स का ये मानना था कि जब भी वो बड़े होंगे तो वो इंडियन आर्मी ज़रूर ज्वाइन करना चाहते थे. वेल, बियर गिल्स, द नेम ऑफ द सेकेंड नेम ऑफ द ब्रेवरी, उनके पास इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन में से वो ईजिली निकाल पाते हैं. और यही वो TV पर दिखाकर हमें ये सिखाते हैं कि अगर भगवान ना करे हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें क्या करना चाहिए. बियर गिल्स जैसे पानी को प्योरीफाई करते हैं, कभी ग्रास के साथ, कभी उसको बॉयल करके. तो एक कंपनी है लाइव स्ट्रॉ, उन्होंने ऐसे स्ट्रॉज बनाए हैं. हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ यूज़ करते हैं, तो उन्होंने ऐसे स्ट्रॉज बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रॉज, जिसको आप अगर गंदे पानी में डालते हो तो वो लाइव उसको प्योरीफाई करेगा, एंड यू विल बी एबल टू ड्रिंक दैट वाटर. लेट्स सी कि ये कितना काम करता है. अगर ये सक्सेसफुल होता है तो जब भी आप कहीं पहाड़ों पर जाते हो और आपको अच्छा पानी नहीं अवेलेबल होता, यू कैन यूज़ दैट लाइव स्ट्रॉ एंड हैव प्योरीफाई वाटर. माई डियर किड्स, वेन यू आर डूइंग गुड टू समवन, वो गुड आपके पास बहुत मल्टीप्लाई होकर आ जाता है. अब बात करते हैं गुजरात की. गुजरात में एक लेडी थी राजकोट में, वो तकरीबन 65 ईयर्स की आंटी थी. वो हमेशा 10-15 सालों से अपने घर के पास जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको दूध, कभी ब्रेड, कभी बिस्किट्स डालते थे. एक दिन क्या हुआ, वो सुबह वॉक पे निकली
और कुछ स्नैचर्स ने उनकी चेन स्नैच करने की कोशिश की, तो वो जो स्ट्रे डॉग्स थे एकदम से आए, उन्होंने स्ट्रेचर्स के ऊपर अटैक किया और उनको वहाँ से भगा दिया। एंड दैट लेडी शी वॉज इन टीयर्स, जब उसकी इंटरव्यू ली गई, शी सेड कि मैंने तो इनको एक जानवर समझा था और मुझे लगता था कि चलो ये भूखे हैं तो इनको खिला दिया जाए, बट आई डिडंट नो कि ये ऐसे रेसिप्रोकेट करेंगे। सो डू गुड हैव गुड, ये मोटो लाइफ में लेके चलिए, देखिए आप कितने सक्सेसफुल होंगे और आपको कितने बढ़िया सरप्राइजेस मिलेंगे। सो कीप एंजॉइंग टिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल विद मानिका मेहता। हम अपने स्कूल्स में, डिप स्कूल्स में करवाते हैं बुक मार्क एक्टिविटी। बुक मार्क्स वी आर प्रिपेयरिंग, समटाइम चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस इन कलरिंग द बुक मार्क्स और पुटिंग ग्लिटर्स ऑन द बुक मार्क्स। बुक मार्क्स आजकल वो लंबे वाले भी आते हैं, प्लस कॉर्नर बुक मार्क्स भी आते हैं, जैसे फ्रॉग्स बनी होती हैं हैंड पपेट्स, उनको आप साइड पे हैंग कर सकते हैं। ओलिना नाम की एक आर्टिस्ट थी, सबसे पहले बुक मार्क उन्होंने बनाना शुरू किया और उन्होंने ना थोड़े से वियर्ड बुक मार्क्स भी बनाए थे। ओलिना ने बुक मार्क्स बनाए जिसमें कि बुक मार्क्स है, लास्ट में उसकी छोटी सी लेग्स लगी हुई हैं, वो लेग्स के साथ ऐसे बुक में लगा देती थी। ये थोड़े से वियर्ड थे मगर लोगों को इतने पसंद आए ये बुक मार्क्स, और उसकी इस क्रिएटिविटी को सब लोगों ने पसंद किया और वैसे ही बुक मार्क्स यूज़ करने शुरू कर दिए। वैसे जब हमारे बच्चों की बुक्स में बुक मार्क्स लगे होते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। आपको भी आता है ना कि मैंने 10th तक पेजेस पढ़ लिए हैं, इंस्टेड ऑफ फोल्डिंग द पेजेस वी आर पुटिंग बुक मार्क्स। तो आप भी अपनी बुक्स में जल्दी जल्दी से ब्यूटीफुल से बुक मार्क्स लगा लीजिए। One, two, three, four, five. Once I caught a fish alive. Six, seven, eight, nine, nine. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? Little finger on my right. आपको पता है बच्चों, हमने आपको बताया था कि फिशेस को जब हम कमर्शियली पालते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिसीकल्चर। हैदराबाद में फिशिंग का बहुत बड़ा एक सेंटर है, रिसर्च सेंटर। ये तो है एक इंफॉर्मेशन पैकेज, मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसकी बिल्डिंग बिल्कुल फिश की शेप की है। इट्स अ ह्यूज सिल्वर बिल्डिंग और उसकी आईज इतनी बड़ी बड़ी है, ब्लैक कलर की। एक्चुअली वो है दो विंडोज वेंटिलेशन के लिए और बाहर का सीन देखने के लिए। ओ वाओ, जब भी आप हैदराबाद में जाएंगे तो ये फिशिंग की जो डेवलपमेंट बिल्डिंग है वो जरूर देखेंगे। Now this is the time I have to go, but I'm going to show you a beautiful video which is conveying the message that you should not stop, keep marching ahead, you can do it, yes. Keep listening, Dips Broadcasting, we'll meet tomorrow. Till then, take care of your good self, bye-bye.